सो नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 8 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. सो थ्योरम 8 कुछ इसमें नया नहीं है, जो आप हम पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में करके आए हैं उसी को यूज़ करेंगे. सो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये किया था दैट इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस देन लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ टी इज माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन एथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस. सो अब जब हम इसकी इन्वर्स लैपलेस निकालेंगे तो ये लैपलेस इन्वर्स बन जाएगा और ये माइनस वन रेज टू पावर एन से. ये देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वी हैव सो लैपलेस इन्वर्स ऑफ ये पूरा इज इक्वल टू टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ टी. सो ये माइनस वन रेज टू पावर एन कॉन्स्टेंट इधर आ गया एंड देन मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन रेज टू पावर एन ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग दैट इनवर्स लैपलेस ऑफ एन एथ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस इज माइनस वन रेज टू पावर एन टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ टी. सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. आप देखोगे इसके एग्जाम्पल्स दो तरह से होते हैं डेरिवेटिव्स के लिए. फर्स्ट टाइप तो क्या होता है कि जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें वी हैव टू फाइंड इनवर्स लैपलेस ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी. तो अब हमें पता है जो जब हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो कुछ तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनकी इनवर्स लैपलेस हमें पता है. जैसे अगर वन ओवर एस प्लस ए की इनवर्स लैपलेस निकालनी है तो हम कर देंगे, हमें पता है इसकी इनवर्स लैपलेस होगी ई रेज टू पावर माइनस ए टी. बट लॉग के लिए हमने कोई लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो इसकी इनवर्स लैपलेस का कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, देखो हमने ले लिया इसको एफ ऑफ एस, लेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी. सो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगाया. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, सो डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव हो गया वन ओवर एस प्लस ए और इसका डेरिवेटिव हो गया वन ओवर एस प्लस बी. नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, सो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इधर और इधर. सो यहाँ पे लग जाएगी ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स लैपलेस ऑफ वन ओवर एस प्लस ए माइनस इनवर्स लैपलेस ऑफ वन ओवर एस प्लस बी. और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लगा दिया ये वाला रिजल्ट. सो एन की वैल्यू यहाँ वन है, सो इनवर्स लैपलेस ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विल बी माइनस वन इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी. सो माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, तो ये आ गया माइनस वन इंटू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस. सो माइनस टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस और इधर वन ओवर एस प्लस ए की इनवर्स लैपलेस होती है ई रेज टू पावर माइनस ए टी, इसकी होती है वन ई रेज टू पावर माइनस बी टी. सो फाइनली आप माइनस टी को डिनोमिनेटर में जब लेके जाओगे इसके तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस इज ई रेज टू पावर माइनस बी टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी ओवर टी. और एफ ऑफ एस हमने लिया किसको था, लॉग ऑफ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी को. अब अगर आप इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में ए और बी की जगह जस्ट फोर और फाइव लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रूफ होगा उसका. सो लेट अस कम टू द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड इज लैपलेस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. सो ये भी ऐसे ही है क्योंकि लॉग की इनवर्स लैपलेस का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. तो हमने क्या किया, ये एलसीएम लिया, ये आ गया देन लॉग ए माइनस लॉग बी. सो ये एस स्क्वायर था तो इसको टू लॉग एस लिख सकते हैं. देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, सो इसका डेरिवेटिव टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आ गया माइनस टू बाई एस. नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड्स, सो इधर लग जाएगी आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टू टाइम्स इनवर्स लैपलेस ऑफ दिस माइनस टू टाइम्स इनवर्स लैपलेस ऑफ वन बाय एस. सो इसकी इनवर्स लैपलेस हमें पता है कॉस ओमेगा टी हो गई और वन की होती है वन बाय एस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वन बाय एस की इनवर्स लैपलेस हो गई वन. सो आई एम गेटिंग टू इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके टू यहाँ से हमारे पास आ गया टू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस वन. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो डी बाई डी एस एफ ऑफ एस की इनवर्स लैपलेस होती है माइनस वन इंटू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस. सो ये जो माइनस टी है इसको यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ले गए जिसकी वजह से ऊपर कॉस ओमेगा टी माइनस वन की जगह वन माइनस ओमेगा टी ओवर टी इंटू टू इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता होता तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल,
अब सेकंड एग्जांपल में क्या है कि आपको इनवर्स लैपलेस फाइंड करनी है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर की। अब देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो पावर है वो इंक्रीज होती है डेरिवेटिव लेने से, मतलब वन ओवर एस की का डेरिवेटिव होता है माइनस वन ओवर एस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है टू ओवर एस क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं। तो हमें जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्स के रिजल्ट्स पता हैं उसमें हमें एस की पावर वन तक पता है, हायर पावर्स के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं किए हैं। सो दैट इज़ वाई, अब देखो अगर मेरे पास होता वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसकी इन्वर्स लैपलेस मुझे पता है तो मैं एफ ऑफ एस को वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेके चल रही हूँ। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस्ट पर माइनस टू इंटू टू एस, दैट इज़ माइनस टू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो मुझे जो फाइंड करनी थी इनवर्स लैपलेस एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ से एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। सो ये वाले माइनस टू को इधर ले गए, सो एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस आ गया। नाउ एफ ऑफ एस क्या है वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, इसकी इनवर्स लैपलेस तो ये आ गई और इसकी क्या हो जाएगी माइनस हाफ इंटू लैपलेस इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस हाफ इंटू माइनस टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इनवर्स लैपलेस होती है वन बाई ए साइन हाइपरबॉलिक ए टी। सो फाइनली आई एम गेटिंग आंसर टी बाई टू ए इंटू साइन हाइपरबॉलिक ए टी। ऐसे ही इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर है तो हम फंक्शन को क्या लेके चले हैं एफ ऑफ एस हम लेके चलेंगे वन ओवर एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू। जब इसका डेरिवेटिव किया तो माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू रेस्ट पर माइनस टू इंटू टू एस प्लस टू आ गया। इसको सॉल्व करके लिखा तो ये आ गया, चाहिए हमें ये था तो ये देखो आ गया बिल्कुल, ये माइनस टू है एक्स्ट्रा तो इम्प्लाइज करके नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस टू को इधर ले गए नीचे। अब इसके बाद क्या करेंगे टेकिंग इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड्स। सो जब आप इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड्स लोगे तो इसकी इनवर्स लैपलेस हमें चाहिए, इधर फॉर्मूला लग जाएगा माइनस हाफ एज इट इज इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज माइनस टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस। सो इनवर्स लैपलेस ऑफ एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टी कैसे निकाल प्लस टू कैसे निकालते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। सो ये आ गया माइनस हाफ इंटू माइनस वन इंटू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ दिस। सो इसकी इनवर्स के लिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो एस प्लस वन की होल स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब इसमें लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्योंकि हमें रिजल्ट पता है वन ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जबकि यहाँ पे एस प्लस ए है तो इसका मतलब ये ई रेस्ट पर माइनस टी से भी मल्टीप्लाई होगा। सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम टी बाय टू एज इट इज इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी लैपलेस इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन विच इज वन बाई ए साइन टी होता है साइन ए टी होता है और ए की वैल्यू उसमें बांटने हैं। सो फाइनल आंसर इज हाफ टी इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी इंटू साइन टी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इवेल्युएट इनवर्स लैपलेस ऑफ टेंजेंट इनवर्स वन बाई एस। सो अगेन टेंजेंट इनवर्स के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं किया तो हम एफ ऑफ एस को लेके चले टेंजेंट इनवर्स वन बाई एस। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे सो डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। अब इसका इनवर्स लैपलेस हमें पता है सो टेकिंग इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड्स इधर आ जाएगा माइनस वन इंटू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस और इसका इनवर्स लैपलेस है माइनस वन इंटू टी, यहाँ पर टी लिखना भूल गई, माइनस वन इंटू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन विच इज साइन टी। सो आंसर इज ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो रहा है, सॉरी सॉरी तीन लिखना भूले गए एक मिनट।
थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। इधर इन्वर्स लैपलेस ऑफ डी बाई डी एस का फॉर्मूला लगा माइनस वन इंटू टी इंटू इन्वर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस, ये वाला माइनस बाहर लिया इन्होंने और इसकी इन्वर्स लैपलेस हमें पता है साइन टी होती है। सो ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया और ये जो इधर टी था ये इधर डिनोमिनेटर में आके फाइनली आंसर इज 1/t sin t। नेक्स्ट इज इन्वर्स लैपलेस ऑफ कॉस इन्वर्स 1+s। अगेन इसकी इन्वर्स लैपलेस नहीं पता, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। सो एफ ऑफ एस इसको लेके इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके ये आ गया। नाउ टेकिंग इन्वर्स लैपलेस, सो इन्वर्स लैपलेस लेंगे इधर तो माइनस वन इंटू टी इंटू इन्वर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस आ जाएगा। इधर ये माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, ये तो एस की जगह क्योंकि एस प्लस वन है तो यही रेस्ट पर माइनस टी से मल्टीप्लाई होकर एस प्लस वन की जगह एस आ जाएगा यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो फाइनली इन्वर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस इज 1/t ई रेस्ट पर माइनस टी इंटू साइन टी इज द आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एस। सो ये भी हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में करके आए हैं कि अगर हम एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 to t तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इज डिवाइडेड बाय एस। सो जी ऑफ टी इज इक्वल टू, प्रूफ इसका कुछ पेपर में आने वाला नहीं है, सिंपल इन्होंने पढ़ लेना आप इसको एक बार, हम सिर्फ रिजल्ट याद कर रहे हैं कि अगर हम एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ एस की इन्वर्स लैपलेस अगर एफ ऑफ टी है तो एस से डिवाइड करने पे एफ ऑफ टी का की इंटीग्रेशन होती है फ्रॉम 0 to t। 10th थ्योरम में वो बोल रहे हैं कि अगर हमने दो बार ही एस से डिवाइड किया तो एस स्क्वायर आ गया तो उस केस में दो बार इंटीग्रेशन होगी, डी टी स्क्वायर आ गया इधर। एंड जनरलाइजेशन कि अगर हम एस रेज़ टू पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एन टाइम्स इंटीग्रेशन होगी एफ ऑफ टी की विद रिस्पेक्ट टू टी। सो एग्जांपल्स देखते हैं इसके, लेट अस कम टू द फोर्थ एग्जांपल नाउ। फाइंड इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s इंटू एस प्लस वन की होल क्यूब। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एस किसको ले लिया, यहाँ पे 1/s+1 की होल क्यूब को। अब देखो हमारा एफ ऑफ एस है 1/s+1 की होल क्यूब। सो इसकी इनवर्स लैपलेस कैसे आएगी, एस प्लस ए है तो ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू एस प्लस वन की जगह आ गया एस, और क्योंकि ये इंटीजर है तो इसकी इन्वर्स लैपलेस आ गई टी स्क्वायर बाय 2 factorial। सो आंसर इज हाफ टी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस टी। बट हमें फाइंड किसकी करनी थी, 1/s इंटू एस प्लस वन की होल क्यूब। इसका मतलब एफ ऑफ एस को अगर मैं एस से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे एस प्लस वन क्यूब के साथ एस आ जाएगा। सो जब एस से एफ ऑफ एस को हम एस से डिवाइड कर रहे हैं तो एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम 0 to t। सो वी हैव टू इंटीग्रेट, सो इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s इंटू एस प्लस वन की होल क्यूब इज इंटीग्रल 0 to t टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन तो ईजी है, आई लेट लगेगा टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 2t इंटू माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी। सो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट्स पुट करके एक बार ही तो टी एज इट इज़ माइनस 0 पुट करने से 0 आ गया, इसमें फिर से आई लेट लगेगा। सो 2 times टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, अगेन टी एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर माइनस 1 माइनस 2 times ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर माइनस 1। सो इसमें फिर से लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस ई रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1। सो फाइनली ये आ गया, तो इसको इन्होंने पूरा ठीक करके लिख लिया तो ये बन रहा है। सो फाइनली ये 1 बन गया यहाँ पे, बाकी टर्म्स में सी रेस्ट पर माइनस टी कॉमन लेंगे, जब माइनस सी रेस्ट पर माइनस टी कॉमन लेंगे तो आई एम गेटिंग टी स्क्वायर प्लस 2t+1
वन प्लस टी स्क्वायर बाय टू, सॉरी बार की हाफ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट देखो, वी हैव टू फाइंड इनवर्स लैपलेस ऑफ 2 ओवर एस रेज टू पावर 5 प्लस एस क्यूब। तो इसमें एस क्यूब कॉमन आ गया, एस क्यूब कॉमन आके एस स्क्वायर प्लस 4 बचा। अब देखो क्लियरली एस स्क्वायर प्लस 4 की इनवर्स लैपलेस हमें पता होती है, तो एस स्क्वायर प्लस 4 की इनवर्स लैपलेस होती है हाफ साइन 2t। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एस ले लिया हमने 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। अब क्योंकि साथ में एस क्यूब है, इसका मतलब जिसको एफ ऑफ एस लिया था उसको 3 बार एस से डिवाइड किया। सो 3 बार एस से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एफ ऑफ टी की 3 बार इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू टी। सो दैट इज़ वाई दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर आप डिवाइड ना भी करते तो साइन 2t की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस 2t ओवर 2 आ जाएगा। लिमिट्स पुट की फ्रॉम 0 टू t, t पुट करने से एज इट इज़ रहता है फंक्शन, और 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 इज़ 1। सो माइनस हाफ बाहर लेके अंदर आ गया कॉस 2t माइनस 1। इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2t बाय 2 माइनस टी आ गया। लिमिट्स पुट की तो साइन 2t माइनस बाय 2 माइनस टी एंड ये आ जाएगा 0। 0 पुट करने से सारा कुछ 0 हो रहा है। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस। इसकी फिर से करेंगे तो कोसाइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t बाय 2, सो 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। इसमें फिर से लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू टी, सो टी पुट करने से तो सेम आ गया एंड 0 पुट करने से माइनस 1 आ रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। So I hope this concept is clear to you. Now fifth example देखो, we have to find inverse Laplace of s plus 2 over s square into s plus 3. So सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने s plus 2 को भी s plus 3 बना लिया क्योंकि नीचे s plus 3 है ना, so plus 1 और minus 1 की है। सो प्लस वन और माइनस वन करने से, हाँ देखो एस प्लस थ्री के साथ एस प्लस थ्री एक बार कैंसिल हो गए, सिर्फ वन ओवर एस स्क्वायर बच जाएगा एंड माइनस वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री बच जाएगा। सो ये लगा इन्होंने यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर माइनस इनवर्स लैपलेस ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री। सो 1 ओवर एस स्क्वायर की इनवर्स लैपलेस तो हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है टी बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू टी। एंड 1 ओवर एस प्लस 3 की इनवर्स लैपलेस क्या होती है, ई रेज टू पावर माइनस 3t। तो क्योंकि उसके साथ एस स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार हमने एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड किया, सो इनवर्स लैपलेस ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 3t फ्रॉम 0 टू टी dt स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करने से ये आ गया, लिमिट्स पुट की ये आ गया, इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ये आया, इसमें फिर से लिमिट्स पुट करने से फाइनली दिस इज द आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ब्रैकेट्स ओपन करके प्रॉपरली लिख दिया। सो यूजिंग नंबर 2 एंड नंबर 3 इन नंबर 1, सो ये यहाँ पे इसका ये था ना, इसका आंसर आया था टी और इसका आंसर आया है ये। सो ये वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करोगे इसको तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 10 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमने देखा कि जब हम एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड कर रहे थे तो एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन हो रही थी फ्रॉम 0 टू टी। अब अगर हम एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, देन एफ ऑफ टी विल बी डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। सो प्रूफ आप पढ़ लेना एक बार इसका। आई एम कमिंग टू एग्जांपल नंबर 6, प्रूफ दैट इनवर्स लैपलेस ऑफ इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 डी एस इज इक्वल टू दिस। सो सबसे पहले हम एफ ऑफ एस क्या लेके चलेंगे, 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1।
तो अब देखो, अब यहाँ पे ना इनकी एफ ऑफ टी फाइंड करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, हमने बहुत तरीक़ों से फाइंड कर लिया है इनवर्स लैपलेस। सो ये क्या कर रहे हैं देखो, वन ओवर एस प्लस वन की इनवर्स लैपलेस होती है ई रेस टू पावर माइनस टी। तो जब उसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम जीरो टू टी। तो ई रेस टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, फिर लिमिट्स पुट करके आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी। अब हमें लैपलेस इनवर्स चाहिए किसकी, एफ ऑफ एस के इंटीग्रल की। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ टी विल बी डिवाइडेड बाय टी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। अगर हम एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, तो जो एफ ऑफ एस की इनवर्स लैपलेस थी एफ ऑफ टी, दैट इज डिवाइडेड बाय टी हो जाता। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय पावर्स ऑफ एस। सो इफ लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी and f of 0 is 0, then inverse Laplace of s into f of s is equal to f dash t। ये भी देखो वही था हमने किया था, ये कि जब हम f of t का डेरिवेटिव लेते थे, what was the formula for Laplace of f of t, sorry ये लिखा हुआ इन्होंने, यहीं से देख करते हैं। ये देखो हमने किया, inverse Laplace of f dash t was s टाइम्स f ऑफ s माइनस कैपिटल f एट ज़ीरो। अब क्योंकि कैपिटल f एट ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो लैपलेस ऑफ f डैश t इज s टाइम्स f ऑफ s। सो इसका मतलब इनवर्स लैपलेस ऑफ s टाइम्स f ऑफ s इज इक्वल टू f डैश t। सो इसकी जनरलाइजेशन है कि अगर फंक्शन जो है मतलब ज़ीरो, अगर इसका मल्टीपल रूट है, तब हमारे पास ये रिजल्ट होता है दैट इनवर्स लैपलेस ऑफ एस रेज टू पावर एन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का nth डेरिवेटिव। एंड ज़ीरो इज अ रूट अप टू एन माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ। सो इसको यूज़ करके सेवन्थ एग्जांपल देखते हैं हम, एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर की होल स्क्वायर। सो देखो एफ ऑफ एस लेके चले हम वन ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि इसकी इनवर्स लैपलेस हमें पता है। अगर एफ ऑफ एस इज़ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर, तो एफ ऑफ टी विल बी वन बाय टू साइन टू टी। ठीक है, अब हमने ले लिया इसका डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव लेने से ये आ गया माइनस टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर की होल स्क्वायर। सो ये माइनस टू चला गया इधर यहाँ पे, तो ये बन गया। नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलेस ऑन बोथ साइड्स, सो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर एज इट इज़ रह जाएगा, इसकी इनवर्स लैपलेस हमने फाइंड करनी है। एंड राइट हैंड साइड पे हम इनवर्स लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव का जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस वन टी टाइम्स लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, जो कि हमें पता है हाफ साइन टू टी है। तो इसका मतलब इनवर्स लैपलेस ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर की होल स्क्वायर आ गया वन बाय फोर टी साइन टू टी। हमें चाहिए इनवर्स लैपलेस ऑफ एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर की होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि एफ ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करके एफ डैश टी विल बी द आंसर, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ज़ीरो शुड बी ज़ीरो। तो देखो ये एफ ऑफ टी है, अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट कर रही हूँ, इन्होंने इसको जी ऑफ टी बोल दिया क्योंकि एफ ऑफ टी पहले यूज़ कर लिया हमने। सो जी ऑफ टी अगर ये है तो जी ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इसका मतलब अगर मैं जी ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर विल बी जी डैश टी। सो लैपलेस इनवर्स ऑफ, इसको जब एस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव करने के लिए यूवी रूल लगाएंगे एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर।